आप कैसा चल रहे हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हो? सभी लोग गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। क्योंकि अभी हम लोग बनारस स्टेशन पे देख सकते हैं, बनारस स्टेशन से अभी चल रहे हैं इलाहाबाद के लिए। तो भाई जो इस टाइम का व्यू है बनारस का, देख सकते हैं चारों तरफ तिरंगा नज़र आएगा क्योंकि ग्रीन ग्रीन। अभी हम लोग निकल रहे हैं इलाहाबाद के लिए, और जैसे ही मतलब आया भाई, तुरंत टिकट लिया और तुरंत टिकट लेकर के तुरंत अंदर आ गया। क्योंकि मतलब सोचिए, घर से मैं निकला, जहाँ 10 रुपये किराया लगता है वहाँ पे मैं 30 रुपये किराया दे करके मतलब आया, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी। तो इसीलिए मैं जो है डबल किराया दिया है, और ट्रेन तो भाई पकड़ना ही था। यही ट्रेन लगी हुई है, इसी में बैठना और इसी में से जो है प्रयागराज चलना है। तो चलिए मैं आप लोग को चलता हूँ, अभी आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखिए ट्रेन लगी हुई है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं। चलिए तो चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर और आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, ट्रेन के अंदर का कुछ सीन इस तरीके का, और आप लोग देख ही सकते हैं कि भीड़ कुछ भी नहीं है। तो भाई फाइनली अभी सुबह हो चुकी है, सुबह तो हमारी ट्रेन चल चुकी है। अभी देख सकते हैं हम लोग स्टेशन से काफ़ी दूर आ चुके हैं। अभी ट्रेन चल चुकी है, तो देख सकते हैं भाई अभी कोहरा लगभग अभी बज रहे हैं 6:28, मतलब 6:30 बज रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं पूरा धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ठंडी भी है। और ये देखिए हमारे पीछे बाबा जी भी हैं, ये भी प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं। तो हम लोग भी निकल चुके हैं और सारे लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं। मैं एडिट कर रहा था, एडिट किया, उसके बाद उसको कोशिश किया कि अपलोड करूं, अपलोड तो हो गया लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हुआ, उसके पहले ही मैं काट दिया, तो क्या हुआ कि वो रुक गया उसी पे, तो काफ़ी दिक्कत हुआ। ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये देखिए शूट कर रहे हैं, इधर थोड़ा चुनावी बहस भी हो गई यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कौन सा स्टेशन, अभी चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं। माधव सिंह, तो माधव सिंह आ चुके हैं अभी। तो चलिए आप लोग को बाहर से एक बार दिखाते हैं कैसा है माधव सिंह। तो अमित भैया क्या कर रहे हैं आप यहाँ? चल बस एंजॉय कर रहे हैं, बस और क्या। बस हमें अपना कैमरा दे, मौसम का मजा ले रहे, ठंडी के मजा ले रहे, निकल रहे हम लोग। चलिए तो माधव सिंह आप लोग को दिखाते हैं। ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो अभी इधर ग्रीस भाई कैसा लग रहा है ट्रेन की जर्नी? अरे यार बड़ा ठंडा लग रहा है यार, कपड़ा पहन के आइए जब लोग आइए। सभी लोग कपड़ा ही पहन के आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा स्वेटर वेटर पहन लीजिएगा कोट वोट, क्योंकि देखिए रोज च्यवनप्राश खाता है इसलिए उसको ठंडा नहीं लगता है। चाचा है, देखिए हमारे चाचा चमकरा की गर्मी। देखिए एक शर्ट में आदमी घूम रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम लोग साथ में निकलते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी ट्रेन की जर्नी, और इधर लोग बैठे हुए चारों तरफ देख सकते हैं। जैसे जैसे ट्रेन गुजर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसमें लोग जो है आते जा रहे हैं। पहले देखिए मैं यहाँ पे अकेले हम लोग 4 लोग थे सिर्फ, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग बैठ चुके हैं हर एक बोगी में। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा सारे लोगों को। ये देखिए पहले भीड़ नहीं था इतना, मतलब शुरुआत में आप देखे होंगे पूरा एकदम खाली था ये सब, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ना सभी लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ जो है लगता चला जा रहा है। देख रहे हैं इधर भी लोग आकर के बैठ गए हैं, और इधर भी देखिए ट्रेन फिर रुकी, फिर इधर लोग चढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो ये है शायद इलाहाबाद जाते जाते प्रयागराज, जाते जाते ऐसा हो कि पूरा ट्रेन जो है भर जाए। कहाँ जात हुआ चाचा, कहाँ जात हुआ पूछा थे? अच्छा घूमने, हम सोचे कहाँ, वही पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अमर भाई? हम जा रहे हैं भाई साहब इलाहाबाद। इलाहाबाद, और आप अमित भैया? आप कैसा चल रहे हैं? हम तो देख सकते हैं अभी हंडिया में हम लोग रुके हुए हैं, और ट्रेन का सीन कुछ इस तरीके का है। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो सबसे पहले हंडिया का सीन जो है धूप में भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख रहे हैं मस्त। और धीरे धीरे जो है चलते हैं और आप लोग को दिखाते रहेंगे। ये हंडिया देखिए, देख रहे हैं उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी हंडिया ठीक है, और
यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब उतरे अभी, और जैसे जैसे ट्रेन आई है वैसे वैसे लोग उतरते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। लेकिन जब मैं शुरुआत में आया था मडुआ डी बनारस से, तो वहाँ से मतलब काफ़ी कम भीड़ था और काफ़ी कम लोग थे ट्रेन में। भी उतर चुके हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे जो है प्रयागराज का धोबी घाट। और भाई काफी भाई मतलब जैसे आप वीडियो में देखे होंगे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है कि धोबी घाटों पे, वैसे ही सेम जो है नीचे देखिए कपड़ा धो रहे हैं लोग। और अभी हम लोग चल रहे हैं ट्रैक से। भाई हम लोग थोड़ा सा पहले ही उतर गए क्योंकि जो संगम है माघ मेला है वो बगल में है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे थे क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ेगा तो हम लोग स्टेशन पे जाते तो काफी दूर पड़ता, तो यहीं से उतर करके चल रहे हैं अभी धीरे धीरे। अच्छा लग रहा है कि आज इलाहाबाद प्रयागराज में हम लोग आए हुए हैं और घूम रहे हैं, काफ़ी मस्त लग रहा है। और चलिए चलते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। प्रयागराज में संगम के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, तो अभी उसी रास्ते से मतलब चल रहे हैं, कुछ दूरी पर संगम है और उसके बाद चलेंगे तो वहाँ पर आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन इस ब्लॉग्स को ना मतलब संगम में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि संगम का वीडियो पूरा अलग रहेगा, पूरा ब्लॉग जो है उसका ना पूरा अलग ब्लॉग रहेगा। और हम लोग अभी देख सकते हैं अभी पूरा इधर से मतलब पूरा जा रहे हैं, लगभग 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर जो है पैदल रास्ता तय करना है। पहले वेरड़ी माता मंदिर चलेंगे और वहाँ से उसके बाद जो है चलेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी उधर रास्ते से चल चल करके जो है थक चुके हैं, तो अभी कुछ खाने का बारी आ चुका है, तो अभी कुछ खाते हैं यहाँ पे क्योंकि इलाहाबाद में भाई इलाहाबाद यार बार बार इलाहाबाद प्रयागराज है और चल रहे हैं। तो ये देखिए मैं कुछ नाश्ता कर लेता हूँ उसके बाद संगम के लिए निकलूँगा। लेकिन जो माघ मेला यहाँ का बहुत फेमस है वो मतलब बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी भीड़ भी जो साधु संत होते हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं कुछ सारे लोग। तो ये देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं लोग इधर, जैसे हम लोग पूजा नहीं करते, सरस्वती पूजा हो गया, काफ़ी सारी पूजाएं होती है तो हम लोग गाजा वाजा बजा कर करते हैं, तो ऐसे ही मतलब सारे लोग करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग प्रयागराज आ चुके हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं जो संगम मेला है वो दिखेगा, लेकिन इस ब्लॉग्स को मैं यहीं पर एंड करूँगा और जो नया ब्लॉग्स आएगा सिर्फ संगम को और जो भी साधु संत है उनको मैं दिखाऊँगा। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, और जैसे ही ये प्रयागराज का देख सकते हैं ये पुल है ऊपर, शायद दिखाई न दे, देखिए ये पुल है और नीचे जो है सारे टेंट आपको दिखाई देंगे, चारों तरफ जो है माघ मेला का दिखेगा। और दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।